हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाने वाले हैं, जिसको आप चाहे सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं या फिर शाम के चाय के वक्त भी इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपको मिलने वाली है। इसको बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैं दो अंडों को ब्रेक करके ले रही हूँ, और उसके बाद इसमें एक टीस्पून जितने लाल मिर्च पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर को भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको साइड में रखकर एक पैन को ले लीजिए, और इसमें थोड़े से ऑयल के साथ इस पैन को ग्रीस कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही लगे बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बनाए हुए अंडे के मिक्सचर को इसमें डाल दीजिए और इवनली थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो लेस के पैकेट या फिर कोई भी चिप्स आपके घर में अवेलेबल है, उन चिप्स को आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से डाल दीजिए। तो इस तरह से लेस को डाल देने के बाद अब हमें एक साइड में, बस हाफ पार्ट में ही हमें इसको फिल करना पड़ेगा। पहले मैं एक टेबलस्पून जितने फाइनली चॉप किए हुए टमाटर को डाल रही हूँ, और उसके बाद सेम वन टेबलस्पून जितने फाइनली चॉप किए हुए प्याज को भी डाल लीजिए, और उसके बाद थोड़े से फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्च को डाल लिया है मैंने, और उसके बाद थोड़े से ग्रेट किए हुए कैरेट को भी डाल लीजिए, या फिर थोड़े से चॉप किए हुए कैरेट को भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास हरी वाली शिमला मिर्च हो तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और इसको बस एक मिनट के लिए लिड के साथ कवर कर लीजिए, और इसके बाद इसको हमें हाफ फोल्ड करना पड़ेगा। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा बस लाइटली प्रेस करके इसको फिर से हमें इसको लिड से कवर करके एक मिनट तक पकाना पड़ेगा। एक मिनट बाद हमारा बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनके तैयार है। अब इसको गरम-गरम सर्व कर लीजिए। बच्चों से लेते हुए बड़ों तक बहुत ही ज़्यादा पसंद करके खाएंगे इसको। देखिए, मैं अब इसको कट करके भी दिखा देती हूँ, कितना बढ़िया सा, कितना स्वादिष्ट लगेगा। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और आपका फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।